फ्रेंड कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं, हमारे फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हमारे देश को कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सकते हैं। भले ही इसका एंटीडोट अभी तक बाजार में नहीं आया, लेकिन कोई कोई देश ऐसा दावा कर रहा है फास्ट स्टेज में इसका ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ये वायरस से बचने के लिए हम लोगों को हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन पहले तो ये जानना पड़ेगा कोरोना वायरस है क्या, ये कैसे संक्रमित करते और इससे बचने का उपाय क्या है। तो पहले तो जान लीजिए फ्रेंड, ये जो वायरस है ये पहले चीन में पाया गया है, उसके बाद में अभी तक लगभग 117 देश में इसका जो संक्रमित पेशेंट है वो मिला है। लगभग 1,20,000 का ऊपर इसका संक्रमित पेशेंट मिला है पूरा दुनिया में, और लगभग 4,500 से 5,000 लोगों का मौत हो चुका है। सबसे ज्यादा जहाँ पे संक्रमित हुआ है फ्रेंड चीन में, 90,000 से ऊपर संक्रमित मिल चुका है, और हमारा इंडिया में अभी तक जो न्यूज है 69 पेशेंट मिला है जो कोरोना वायरस से संक्रमित है। और इसके बीच में इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसका महामारी घोषित कर चुका है। फ्रेंड पूरा देश में, पूरा पृथ्वी में इसका आतंक बहुत जोर शोर से चल रहा है और बहुत सारे अफवाह फैलाए जा रहे हैं। तो फ्रेंड दोस्तों कोई अफवाह में मत आना, मैं जितना भी बोल रहा हूँ सिर्फ ध्यान से सुनना, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे एक नंबर दे दूंगा जो कोरोना वायरस का ये हेल्पलाइन है, आप उधर में फ़ोन करके भी जान सकते हैं। मेरा नंबर नहीं है, ये गवर्नमेंट का नंबर है, जो जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहा है उसका पूरा के पूरा जानकारी उससे मिलने वाला है। तो फ्रेंड बहुत सारे जो अफवाह फैल रहा है उसका अंदर कुछ ऐसे भी है जो आप अगर मछली मटन खाओगे तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी खाने पीने का वजह से ये वायरस नहीं फैलता, ये वायरस सिर्फ उसको हो रहा है जो पहले से संक्रमित है, उसका पास में अगर कोई आदमी आए और उसका साथ में उठक बैठक करे फिर उसका साथ में रहे तो जाके उसको कोरोना वायरस होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो मैं तो पहले यही बताना चाहता हूँ, हर न्यूज़ चैनल में, हर सरकारी कर्मचारी में यही बता रहे हैं, इतना डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही खतरनाक, लेकिन आप अगर थोड़ा सतर्क रहोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड पहले तो इसको रोकने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा ये फैलते कैसे है, ये कोई खाने पीने का वजह से बा कहाँ से भी ये नहीं फैल रहा है। ये जो वायरस है सिर्फ उससे फैल रहा है जिसको पहले से संक्रमित है, जो कोरोना वायरस संक्रमित हो चुका है, जो कोरोना वायरस का पेशेंट है उसका पास में अगर रहोगे, मान लीजिए उसका जो वायरस है उसका अंदर उसका थूक से रहते, उसका खून में रहते, उसका पूरा शरीर में, उसका कपड़ा में भी आ जाते, तो ऐसा कोई आदमी जिसको पहले से कोरोना वायरस संक्रमित है उसके पास में जाओगे, उसको टच करोगे तो भी आपको वो जो वायरस है वो आपके पास आ सकते। तो आप दुनिया में हमारा जो हिंदू संस्कृति का जो नमस्कार चल रहा है आप शायद देखा होगा, तो किसी को हैंडशेक करने से बचे रहेगा, अगर टच नहीं करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले अगर बचना चाहते तो हर आदमी तो शौक से आप नहीं जी सकते, अगर हर आदमी को वो शौक करके तो आप नहीं घूम सकते, घर से भी नहीं बाहर निकल पाओगे। तो इसका जो लक्षण होते हैं फ्रेंड कोरोना वायरस का, वो लक्षण क्या है जो आपको आसानी से थोड़ा मदद मिल जाएगा, जो ये जो कोरोना वायरस संक्रमित पेशेंट है इसको ज़्यादा तरफ क्या हो रहा है, आम बीमारी जैसे सर्दी खांसी बुखार। पहले जिसको ये संक्रमित होता है फ्रेंड तो सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, इसका बाद थोड़े दिन बाद से सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रहा है। तो आपके पास अगर ऐसे कोई आदमी देखे जिसको सर्दी खांसी जुकाम हुए तो उससे जरा बच के रहना, तो आप बहुत ही आसानी से मार दे सकते। और दोस्तों फ्रेंड मान लीजिए कोई संक्रमित आदमी कोई ATM मशीन में गया, ATM मशीन में जाने के बाद वो जब टच करेगा वहाँ पे भी वो जो वायरस है वो फैल सकते। तो आप अगर बाहर कहाँ पे जा रहे हैं, अगर कहाँ पे टच कर रहे हैं हाथ से, तो ज़रूर आपका जो हाथ है वो आपका कोई भी हैंड वॉश से व साबुन से अच्छा करके 20-30 सेकंड तक ऐसे घिस घिस के धो लेना। और कहाँ पे भी अगर आपको टच लग जाए पहले तो आपको खुद को सैनिटाइज करना पड़ेगा, तो जाके ये प्रॉब्लम नहीं होगा। संक्रमित आदमी जहाँ पे भी टच करते वहाँ पे भी वो वायरस सोड़ जाते हैं, जैसे कि अगर कोई पैसा में भी हाथ लगा जाए, कोई नोट में भी हाथ लगाए तो उसमें भी उसका वायरस आ सकते हैं। वो अगर नोट दूसरा किसी के भी पास जाए उसमें भी वो वायरस आने का संभावना रहता है, लेकिन इतना डरने का ज़रूरत नहीं। अगर इंसान का शरीर में ये वायरस जाएगा तब जाके ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकते। अगर कोई भी वस्तु में लग जाए, कोई भी पैसा में लग जाए, नोट में लग जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 घंटा तक जीवित रह सकते। और अभी तो गर्मी का टाइम आने वाला है, गर्मी का टाइम पे फ्रेंड वो वायरस जल्दी से जल्दी मौत हो जाते, तो इतना घबराने का ज़रूरत नहीं। और जिसको भी ऐसा बीमार देखे जैसे सर्दी खांसी फिर
बुखार आ रहा है तो उससे ज़रा दूरी रहने का कोशिश करना, और हमेशा बाहर जब निकलते जैसे कोई भीड़ भाड़ का इलाका में जहाँ पे ज़्यादा जैसे बाजार जैसे फिर मेला जैसे जहाँ पे ज़्यादा आदमी रहते वहाँ पे जरूर मास्क लगा के जाना। तो क्या है ये जो बीमार है फ्रेंड, ये जो वायरस है, अगर आपका मान लीजिए आपका शरीर में लग गया, आपका हाथ में लग गया, कहाँ पे भी लग जाए तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकते। ये नुकसान तभी आपको कर सकते जो आपको सांस से, आपका मुंह से, आपका आँख से, आपका नाक से, और जब तक अंदर नहीं जा पाएगा तब तक ये बीमार, ये जो वायरस है आपको कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। मतलब आपको अगर किसी को मान लीजिए टास भी लग जाए जिसका कोरोना वायरस संक्रमित है, तो आप आके हाथ धो लेना, आप जहाँ पे भी कोई टास लगे ऐसे लगभग जिसको ऐसे सर्दी जुकाम देखे जिसको, उससे कम से कम 1 मीटर का दूरत्व बजाय रखना। तो क्या है ये जो वायरस है तो आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आप मान लीजिए आपका हाथ में कोई टच लग गया किसी से, ऐसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है हमारे हाथ, तो अगर टच लग गया तो जल्दी से जल्दी धो लेना। मान लीजिए आपका हाथ से अगर आपका मुंह तक नहीं जा पाएगा तो नुकसान तो ऐसे नहीं कर पाएगा, तो आपको क्या करना, बार बार हम लोगों का जो जितना बुरा आदत है फ्रेंड, जो हाथ से मुँह आँख फिर नाक बार बार हाथ डालते रहते, इससे ज़रा दूर रहना। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं एक नंबर दे दूंगा जो गवर्नमेंट, मेरा नंबर नहीं है, ये गवर्नमेंट द्वारा अभी का टाइम पे चलाया जा रहा है, जो कोरोना वायरस के बारे में हाथ जानकारी आपको मिल जाएगा, वो नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन करके इससे भी ज़्यादा जानकारी आप उधर से ले सकते हैं। और फ्रेंड ऐसे अगर आपको थोड़ा बहुत भी लागे जी, मेरे को ऐसा हो सकता है सर्दी खांसी जुकाम ऐसे बढ़ते जा रहा है, थोड़ा दम लेने में सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो ज़रूर आपका साइड में जो लिस्टेड जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके आप चेकअप करा लेना। अभी का टाइम से आपके लिए ये जो ट्रीटमेंट है आपके लिए बरद्द करके रखा है, तो आप आसानी से कर पाओगे। तो फ्रेंड मैं फिर से एक बार बोलते आप ये वायरस को बहुत आसानी से रोक सकते हैं। जैसे मैं बोला आपका हाथ अगर कहाँ पे भी टच कर रहा है तो जल्दी से जल्दी आप सैनिटाइज कर लेना, कोई भी हैंड वॉश से हाथ धो लेना, हाथ बार बार नाक में मुंह में नहीं लेना, और आपको अगर बाहर कहाँ पे भी निकलना है तो ज़रूर मास्क पहन के निकलना, और भीड़ भाड़ के इलाके में बिल्कुल नहीं जाना, अगर जाओगे तो भी मास्क पहन के जाना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका वो जो वायरस नाक से मुँह से अगर अंदर नहीं जा पाएगा तो भी एक बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड ये कोई बड़ा बात नहीं, इतना तो हम लोग कर ही सकते, और सिर्फ आप नहीं, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी वालों सबको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का कोशिश करना, क्योंकि वो अगर जागरूक रहेगा, वो अगर सेफ रहेगा तो ये बीमार आपका तक भी नहीं आ पाएगा। तो ये पूरा के पूरा आपका रिश्तेदार, फैमिली, आपका पड़ोसी, आपका देश का सर्वोपरि हमारे देश का बचाने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सबका पास चला जाए, सब अगर सतर्क रहेगा तो ये बीमार को हम आसानी से मार दे सकते हैं। हमेशा सतर्क रहना, और इसका अगर इसका कोई भी अपडेट अगर तुरंत आएगा तो इसके ऊपर आपको सतर्क करते रहूँगा, तो हमेशा हमारे साथ में रहना। नमस्कार।